गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से अच्छी चल रही होगी, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी, आप लोग बोरियत भी महसूस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने कितनी बार आपको बता चुका हूँ, आप स्कूल में कॉन्टैक्ट करिए। एक बार बच्चों, आप लोग होमवर्क इतना कम क्यों भेज रहे हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, उससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपसे कहा था, आप लोग होमवर्क भेजिए भेजिए भेजिए। जब तक आप लोग होमवर्क नहीं भेजोगे हम लोग मोटिवेट नहीं होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जितना अच्छा पढ़ाई होगे, जब आप हमें एक महीने बाद मिलोगे, 15 दिन बाद मिलोगे, जब भी स्कूल खुलते हैं तो हमारा मन खुश होगा कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई चालू रखी है और उन पर किसी भी तरीके का बैड इफेक्ट नहीं पड़ा है। जैसे हमको पहले छोड़ा था वैसे हमें वो बाद में मिले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बात मानिए हम लोगों की। ओके, चैप्टर चालू करें, आप लोग पेज नंबर 66 ओपन करिएगा। पेज नंबर 66 बेटा, मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के बारे में बता रहा था, यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो। TRANSPARENCY, इसमें मैं थोड़ा सा उस दिन आधा ही बता के रह गया था, आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बेटा ट्रांसपेरेंसी ये होता है, सुनिएगा मेरी बात, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइट का आर पार गुजर जाना, वो ट्रांसपेरेंसी होता है। यानी आपने देखा होगा पानी में हमें आर पार दिखाई देता है, हमारे और आपके बीच में क्या है, एयर है, हवा है, हम आसपास देख सकते हैं दूसरे को, क्योंकि ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके आसपास क्लियर दिख जाए। तो आप पेज नंबर 66 पे ऐसा करिए, नीचे वाला पैराग्राफ आइए, लास्ट पैराग्राफ, ट्रांसपेरेंट से पढ़ाते हैं हम। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन करिएगा, थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें लाइट आर पार गुजर जाता है पूर्ण रूप से। वी कैन सी थिंग्स क्लियर थ्रू दीज ऑब्जेक्ट। सम ऑफ एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर ग्लास, एयर, क्लीन वाटर, कंटेनर्स ऑफ प्लास्टिक, जैसे हवा, साफ पानी, और कोई भी प्लास्टिक का बर्तन जिसमें पानी, कोई भी प्लास्टिक का बर्तन जो ट्रांसपेरेंट हो। कंटेनर्स, जार एंड बोतल ऑफ ग्लास और प्लास्टिक आर यूज टू कीप प्रोडक्ट्स लाइक टॉफी, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक। मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग परचूने की दुकान, किराने की दुकान पे गए होंगे आप लोग, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, टॉफ़ी चाहिए ना, तो वो दुकानदार क्या करता है, टॉफ़ी के डिब्बे को आगे जमा के रखता है, हम देख के बता देते हैं हमें ये वाली टॉफ़ी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो डिब्बा है ना, वो कंटेनर है ना प्लास्टिक का डिब्बा, वो ट्रांसपेरेंट है, हमें उसके अंदर रखी हुई टॉफ़ी दिखाई देने लग जाती है। कोल्ड ड्रिंक पिया आप लोगों ने, कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक किस कलर का है हमें कैसे दिख जाता है, वो कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक का कलर कैसा है वो हमें आसानी से दिख जाता है, ऑरेंज है, ग्रीन है, या वगैरह वगैरह जो भी कलर है। दिस इज बिकॉज, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, दिस इज बिकॉज पेपर और ग्लास हेल्प इन वॉचिंग डेट इज कीप इनसाइड कंटेनर और बोतल ऑफ फ्रॉम आउटसाइड। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल था, ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, वी कैन पार्टली सी थिंग्स दीज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर बटर पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर। बेटा ट्रांसलूसेंट मीन्स लिखिएगा पारभासी, मैंने उस दिन भी आपको बताया था ट्रांसलूसेंट मीन्स पारभासी, क्या समझे, पारभासी, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें हमें आर पार नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाई देगा, वो आपका ट्रांसपेर, मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखाई देता है। एक एग्जांपल दूँ आपको, आपने कभी गौर किया होगा कोई पेपर पर आपके ऑयल गिर जाता है, ऑयल मीन्स तेल, तो देखना उस पेपर को थोड़ा सा तिरछा करके देखोगे आप, क्या करके देखोगे, तिरछा करके, तो वो जो जिस हिस्से पर ऑयल गिरा है ना, जिस हिस्से पर तेल गिरा है उस हिस्से पर आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, यानी वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। उसके बाद बताऊँ, कुछ कपड़े ऐसे आते हैं नेट वाले कपड़े जो हम पहनते हैं, ढक लेते हैं, फिरियों में आर पार का धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वह भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। बेटा अगला ओपीक्यू, ओपीक्यू मीन्स लिखेगा अपारदर्शी, अपारदर्शी। ओपीक्यू ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रो इट। ओपीक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार है,
दीवार के आर पार क्या देख सकते हैं हम? नहीं। कोई लोहे की वस्तु है, गेट है, उसके आर पार क्या देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते। ठीक है, वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट डीजेब थ्रू डीजेब जस्ट, हम किसी भी तरीके से हम दीवार के आर पार, पत्थर के आर पार नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट आर स्टोन, कार्डबोर्ड एंड बोर्ड, पत्थर, गत्ता, लकड़ी। नेक्स्ट पेज पे आइएगा बेटा, पेज नंबर 68। दस ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू पास थ्रू द, इस तरह से वस्तुओं को उसमें लाइट आर पार निकलने के बेस पे थ्री भागों में बांटा गया, थ्री डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपीक्यू। ओके, डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स लिखिएगा बेटा घनत्व। क्या लिखोगे? घनत्व। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है? एक वस्तु है, घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है? उसके डूबने, सिंक मीन्स लिखेगा बेटा डूबना, सिंक मीन्स क्या होता है? डूबना। फ्लोट मीन्स क्या होता है? तैरना। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का तैरना या डूबना, सिंक करना या फ्लोटिंग करना उसके डेंसिटी पर निर्भर है, उसके घनत्व पर निर्भर है। द ऑब्जेक्ट हुज डेंसिटी इज मोर देन, अंडरलाइन करेगा, द ऑब्जेक्ट हुज डेंसिटी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि डेंसिटी उस वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, क्या बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसके वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो विल सिंक, वो डूब जाएगी। यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो वो वस्तु डूब जाएगी। इसीलिए बॉल, पत्थर की बॉल, लोहे की बॉल या कोई पत्थर मिट्टी वगैरह डूब क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट हु डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोट। यदि दूसरी तरफ वस्तु की, जिस वस्तु को हम पानी में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, जैसे मान लो आपने जो आपने कोई कागज डाला है पानी में, तो कागज की डेंसिटी, पेपर की डेंसिटी उस वाटर की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो फ्लोटिंग करेगी, तैरेगी, इसलिए प्लास्टिक की बॉल तैरती है। इफ यू ड्रॉप ए पेपर इन वाटर इट विल फ्लोट, फ्लोट। जैसे ही आप कोई कागज को पानी में डालते हो तो तैरने लग जाता है। ठीक है, तो आपको ये डेंसिटी वाला था, तो क्या समझे? जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से तो डूब जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरने लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, और वैसे कंप्लीट करा दिया जाएगा, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं इसको, हमारा आज ही हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, लास्ट टॉपिक और है इस चैप्टर का। एस वी हैव सीन द मटेरियल आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलर और डिसिमिलरिटी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, बट वाई वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, वट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग। किसी भी वस्तु में समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में बांटना, अलग अलग समूह में बांटने से हमें क्या फायदा होता है, आइए जाने। वैसे मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था, हमें चीज़ों को ढूंढने में आसानी होती है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, कोई दुकान पे जाते हैं हम, वहाँ पर जाके हम कहते हैं हमें इस कंपनी का बिस्कुट चाहिए, हमें इतनी बड़ी दुकान में से तुरंत एक वो जिस कंपनी का हमें बिस्कुट चाहिए वो तुरंत निकाल के दे देता है, तो आसानी हुई ना। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग them easily from a bulk of materials, for example in a supermarket, supermarket जानते हो जहाँ पर सब तरह की सामानें मिलती है, मॉल मान के चलो आप, मॉल, all the product are grouped according to the similarity, like all types of vegetables are kept in one place, all types of fruit are kept at one place, shampoo or different brand are kept in one place, fruits are kept at one place, such as arrangement supermarket help in customer to identify by the product easily। supermarket में जब आप कभी गए होंगे तो देखना उसमें सभी तरह की सब्जियों को एक जगह, सभी तरह के फ्रूट्स को एक जगह, एक यदि शैम्पू हमें लेना है शैम्पू का अलग शोरूम रहेगा, उस अलग दुकान रहेगी, शैम्पू उसमें आपको सब तरह के मिलेंगे, कोई साबुन लेना है तो साबुन का अलग बना हुआ रहेगा, तो इससे हमें क्या होता है, ढूंढने में आसानी होती है।
apart from the grouping of object also help in studying properties of material easily to also studying the pattern of properties if materials if any. दूसरी बात है पढ़ाई में भी देखे तो हमें पढ़ने में भी कोई ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, हमें इस सब्जेक्ट में होमवर्क करना है, इसमें ये पहले सीधे क्वेश्चन करने फिर कठिन क्वेश्चन करने, ऐसे ग्रुपिंग वाइज पढ़ें तो स्टडी में भी बहुत आसानी होती है ग्रुपिंग करना. बताओ नेक्स्ट पेज पर आपका माइंड मैप दिया गया है कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है. वो माइंड मैप अब तक मैंने जो जो पढ़ा है वो आपको दिया गया है, इसको आप रिविजन के रूप में भी समझ सकते हो और आपका इस तरीके से चैप्टर कम्प्लीट हुआ. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही होगी. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है ना तो आप हमसे स्कूल में आके मिल सकते हो. तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन. थैंक यू, स्टे होम.